चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रामकृष्ण परमहंस के सदउपदेश जिसका शीर्षक है संसार और साधना। आंख मिचोली खेल खेलते समय जो बुढ़िया को छू लेता है वो चोर नहीं होता। इसी प्रकार इस संसार में जो परमात्मा के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है वो सांसारिक बंधनों से नहीं बंधता। जो बुढ़िया को छू लेता है उसे फिर चोर बनाने का कोई उपाय नहीं। इसी प्रकार जो ईश्वर का आश्रय ग्रहण करते हैं वे फिर संसारी नहीं बन सकते। उन पर विषय वासनाओं का कुछ वश नहीं चलता। दीवर मछलियां पकड़ने के लिए जो जाल फैलाते हैं उसके चारों किनारों पर सीपें लगी रहती हैं। पानी के भीतर वे खूब चमकती हैं। मछलियां इन सीपों की चमक दमक को देखकर आनंद में मग्न हो जाल के भीतर चली जाती हैं। एक बार जाल के भीतर गई कि फिर उनसे निकलना कठिन हो जाता है और आखिर उनको वहीं प्राण देना पड़ता है। किंतु कोई कोई मछलियां सीपों के पास तक आकर और कुछ समझ सोचकर दूर भाग जाती हैं। इसी प्रकार संसार की बाह्य चमक तमक को देखकर अनेक लोग उसमें फंस जाते हैं और माया मोह के चक्कर में पड़कर अनेक कष्ट भोगते हैं। किंतु कोई कोई पुरुष संसार की बाह्य चमक दमक में न भूलकर उससे दूर भाग जाते और माया मोह के बंधन से बच जाते हैं। नदी में जाल फेंकने से उसमें मछलियां सहज ही घुस जाती हैं। मूर्ख मछलियां उस जाल के भीतर आनंद के साथ घूमती फिरती हैं। किंतु कुछ समय के उपरांत देवर जब उस जाल को उठाता है तब वे उसमें तड़प तड़प कर मर जाती हैं। यद्यपि जाल से निकलना कठिन है तथापि कोई कोई मछली अपने को फंसी समझकर उससे निकलने की चेष्टा करती है तो कभी कभी निकल भी जाती है क्योंकि जाल के सब छिद्र समान नहीं होते हैं। ढूंढने पर एकाध बड़ा छिद्र भी मिल जाता है और वह सब उसमें से निकल भागती है। इसी प्रकार यह संसार है। एक बार इसमें फंस जाने पर इससे छूटना महान कठिन है किंतु विशेष प्रयास करने पर कोई कोई व्यक्ति इससे मुक्त हो जाते हैं। परंतु जब कभी भगवान की कृपा होती है तब जाल टूट जाता है और सब मछलियां बच जाती हैं। इसी प्रकार जब कोई अवतार होता है तब समस्त जीवों का कल्याण हो जाता है। एक व्यक्ति ने पूछा, संसार में रहकर ईश्वर की उपासना करना क्या संभव है? परमहंस जी ने उत्तर दिया, तूने स्त्रियों को धान कूटते देखा है? वे एक हाथ में मूसल पकड़ती और दूसरे हाथ से ओखले के धान को ठीक करती जाती है। बीच में जब उनका बच्चा आ जाता है तब उसे स्तन पिलाती है या अन्य कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसके साथ बातचीत भी करती जाती है, किंतु उनका ध्यान सदैव मूसल की गति की ओर रहता है। यदि जरा ध्यान टूटे तो मूसल से हाथ चूर चूर हो जाए। इसी प्रकार संसार में रहकर सब काम करते रहो किंतु मन ईश्वर की ओर लगाए रहो। उसकी ओर से ध्यान हटाने ही से सब अनर्थ होते हैं। संसार में रहकर जो साधना करता है वही वीर साधक है। उसी प्रकार वीर साधक इस संसार का बोझा मस्तक पर रखे रहने पर भी ईश्वर की ओर देखता है। ढोल वाला जैसे दोनों हाथों से दो रकम का बाजा बजाता और मुंह से गाना गाता है, उसी प्रकार से संसारी जीव तुम हाथों से सब काम करो किंतु मुंह से ईश्वर का नाम लेने में मत चुको। जैसे उल्टा स्त्री स्वजन परिवार में रहकर घर के सब काम करती है किंतु उसका मन अपने उपपति यानी यार की ओर ही लगा रहता है, वह निरंतर उससे भेंट होने के लिए व्याकुल रहती है। इसी प्रकार तुम भी सांसारिक काम करते समय निरंतर ईश्वर की ओर मन लगाए रहो। यह संसार रेशम के कच्चे कुसेरे के समान है। जीव उसका कीड़ा है। जीव चाहे तो उसे काट भी सकता है और उसके भीतर भी रह सकता है। कुसेरे का मुंह कटा रहने से कीड़ा स्वेच्छा से जब चाहे बाहर निकल सकता है। इसके सिवा कटे हुए कुसेरे को काम का न रहने के कारण
कोई ले भी नहीं जाता। इसी प्रकार जो जीव तत्व ज्ञान प्राप्त करके संसार में रहते हैं, उन्हें कोई बंधन नहीं रहता। वे स्वेच्छा से उसे जब चाहे तब त्याग कर सकते हैं, संसार में भी निर्लिप्त भाव से रह सकते हैं, जैसे पानी में कमल पत्र रहता है परंतु उसमें पानी नहीं भेदता। इसी प्रकार त्यागी पुरुष संसार में तो रहते हैं किंतु उनको संसार का माया मोह नहीं व्याप्ता। तराजू का पल्ला जिस ओर भारी हो जाता है उसी ओर झुक जाता है, और जिस ओर हल्का हो जाता है उस ओर ऊपर उठ जाता है। मनुष्य का मन भी तराजू के पल्लों के समान है, उसके एक ओर संसार और एक ओर भगवान है। जब सांसारिक यश कामना आदि का भार बढ़ जाता है तब मन भगवान की ओर से उठकर संसार की ओर झुक जाता है, और जब भक्ति विवेक वैराग्य आदि का भार बढ़ जाता है तब मन संसार की ओर से उठकर भगवान की ओर झुक जाता है। एक मनुष्य ने खेत सींचने के लिए दिन भर रहट लाया, किंतु जब संध्या समय खेत में जाकर देखा तो उसमें एक बूंद भी जल नहीं पहुंचा था। खेत के पास कुछ गड्ढे थे, उनमें सब जल चला गया। इसी प्रकार जो मनुष्य विषय वासना और सांसारिक मान संभव में पड़कर साधना करते हैं, उनकी सब साधना व्यर्थ जाती है। जन्म भर ईश्वरोपासन करने के उपरांत अंत में जब वे देखते हैं तब उन्हें विदित होता है कि उनकी सारी उपासना वासना रूपी गड्ढों में बह गई है। जैसे बालक दीवार पकड़कर दूर तक चला जाता है किंतु उसका मन सदैव दीवार की ओर ही रहता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं दीवार छोड़ते ही गिर पड़ूंगा। संसार भी इसी प्रकार का है। तुम भगवान की ओर लक्ष्य रख कर सब काम करो, तुम्हें कुछ भय न रहेगा, अर्थात निरापद रहने के लिए ईश्वराश्रय न छोड़ना चाहिए। जल में नौका रहने से हानि नहीं, किंतु नौका के भीतर जल न जाना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर जल भरने से वह डूब जाती है। इसी प्रकार साधकों को संसार में रहने से भय नहीं, जल में नौका रहने से हानि नहीं, किंतु नौका के भीतर जल न जाना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर जल भरने से वह डूब जाती है। इसी प्रकार साधकों को संसार में रहने में भय नहीं, किंतु उनके मन में सांसारिक भावों का प्रवेश न होना चाहिए, अन्यथा महाविपद है। संसार आंवले के समान है, आंवला देखने में सुंदर होने पर भी अंतः सार शून्य होता है। इसी प्रकार संसार भी बाहर से देखने में बहुत सुंदर और सुखदायक प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह आंवले के समान सार शून्य है। जैसे कटहर काटने के पहले हाथ में तेल मल लेने से हाथों में उसका लामा नहीं लगता, उसी प्रकार संसार रूपी कटहर का उपभोग करते समय मन में ज्ञान रूपी तेल की मालिश कर लेने में फिर कामिनी कांचन का लामा नहीं लगता है। सांप को पकड़ो तो वह उसी समय काट खाता है, किंतु जो मनुष्य उसका मंत्र जानता है वो सैकड़ों सांपों को सहज ही पकड़ लेता है। इसी प्रकार जो मनुष्य विवेक और वैराग्य रूपी मंत्र जानता है वह संसार में रहकर भी विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होता है। मनुष्य के मन का छुपा भाव उसकी बातों से बाहर निकल आता है। जैसे भोजन के साथ जो लोग मूली खाते हैं उनकी डकार में मूली की गंध आती है। मन ही सब कामों का करता है, ज्ञान और अज्ञान ये उसकी दो अवस्थाएं हैं। मन ही बंधन या मोक्ष का कारण है। मनुष्य मन ही में सुखी दुखी साधु असाधु भले बुरे और पापी तथा पुण्यात्मा होते हैं, अतएव मन की वृत्ति सुधारना ही आत्म सुधार करना है। एक पक्षी किसी जहाज के मस्तूल पर बैठा था, उसे चारों ओर अनंत जल ही जल दिखाई देता था। कई दिन तक वह उसी मस्तूल पर बैठा रहा। एक दिन उसने सोचा कि मैं इस मस्तूल को ही अपना एकमात्र आश्रय समझ बैठा हूँ, उड़कर देखूं शायद आसपास कोई हरा भरा जंगल मिल जाए। ये सोचकर वह उड़ा, किंतु वह जिस ओर जाता था उसी ओर अनंत जल राशि दिखाई देती थी। अंत में वह थककर फिर उसी मस्तूल पर आ बैठा। उसे दृढ़ निश्चय हो गया कि इस मस्तूल के सिवा और दूसरा आश्रय नहीं है, अतएव वह निश्चिंत होकर सुखपूर्वक समय बिताने लगा। गीता पढ़ने से जो बोध होता है, द्वादश वार गीता
शब्द का उच्चारण करने से भी वही समझा जाता है, जैसे गीतागी, तागी तागी। हे जीव, सब मंत्रों का मूल मंत्र त्याग ही है, अतएव सर्वस्व त्याग कर केवल एक परमात्मा का आश्रय ग्रहण कर। ब्रह्म तत्व भी इसी प्रकार का है, अनंत विश्वपति के अनंत भाव का ज्ञान हुए बिना उसके प्रति आत्मसमर्पण नहीं किया जा सकता।